काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही वहां आने जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग को लेकर वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में अर्जी लगाते हुए कहा कि जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी ईदगाह के गर्भस्थल को सील किया जाए। साथ ही डीएम व एसएसपी को आदेश दिया जाए कि वहां पर पुलिस बल तैनात करके साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना को रोकें। बता दें, मथुरा में नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि व ईदगाह प्रकरण में शाही ईदगाह पर सर्वे की मांग की थी। तीनों ने ही इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर का भी अधिवक्ता कमीशन द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 1 जुलाई को सुनवाई का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रतिवादियों पर आरोप लगाया कि वो ईदगाह परिसर से उन सबूतों को नष्ट कर सकते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता कमीशन गठित किया जाना चाहिए। अदालत पहुंचे मनीष यादव ने बताया कि अदालत ने अधिवक्ता कमीशन संबंधी उनकी मांग के प्रार्थना पत्र पर 1 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। इधर एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईदगाह स्थल ही श्री कृष्ण जन्म स्थान का गर्भगृह है, कमीशन सर्वे करे ताकि वहां से सबूत नष्ट न किए जा सके क्योंकि वहां पर मंदिर के अवशेषों से छेड़छाड़ की जा सकती है। बता दें कि मथुरा में कुल 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से एक मामले पर सुनवाई चल रही है। इस जमीन में से 11 एकड़ भूमि मंदिर के पास है और बाकी ईदगाह के पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में अर्जी लगाते हुए कहा कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी ईदगाह के गर्भस्थल को सील किया जाए। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिली है। वहीं शिवलिंग के दावे के बाद हिंदू पक्ष कोर्ट में याचिका दी और वजूखाना को सील करने की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल वजूखाने को सील करने का आदेश दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई करते हुए 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित स्थल का मौका मुआयना करने की बात भी कही है जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण किया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।